नमस्कार दोस्तों, आपके हृदय और कानों में यह जो स्वर लहरियां आ रही हैं, यह पारंपरिक मुसादा गायन कला है और यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर तहसील का मुख्यालय भरमौर है, जहां पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर रुक गया, मुझे कुछ काम भी था और मैंने इस पूरे कार्यक्रम को इसका आनंद लिया। मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं इन कार्यक्रमों को सुनता और यहां एक साथ सभी प्रकार के कार्यक्रम मिल गए। ये श्री दयालु राम है जो यहां के बहुत ही प्रसिद्ध मुसादा गायक है और यूट्यूब पर आप सर्च करें तो इनके मुसादा के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। मेरे लिए अनूठा था, नया था, अद्भुत था, अलौकिक था, दिव्य था, तो एक ब्लॉग में इसे समेटना मेरे लिए जरूरी था और दोस्तों इसे मैं आप तक ले आया। यह धर्म गीत है जो परंपरागत रूप से गाए जा रहे हैं, यह गद्दी संस्कृति का एक अंग है। मैंने आपको पहले अपने ब्लॉग में बताया है, गद्दी एक सेमी नोमेडिक ट्राइब्स है जो कि साल के 6 महीने मैदानों में और 6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं। तो दोस्तों इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। आइए आज तो हम सिर्फ इस मुसादा गायन का आनंद लें और अगले 10 मिनट में आप दोस्तों बस इसमें तल्लीन हो जाइए, आंख मूंद कर इसे सुनिए। इसके भावों को, भाषा को भी जानने की जरूरत नहीं है, केवल भाव, स्वर लहरियां और हृदय से निकलती हुई आवाज जिसका नाम है मुसादा। तो व्लॉग के अंत में हमने, इस वीडियो के अंत में हमने श्री दयालु राम जी से बातचीत भी की और मुसादा के बारे में उनसे सीधे सीधे जानकारी ली कि यह कला क्या है। और आप उस साक्षात्कार को अवश्य सुनिएगा जैसे ये गायन खत्म होता है, समाप्त होता है। दोस्तों अब आप आंख मूंद कर आनंद लें मुसादा गायन का। Yeah.
जय हिंद जय हिंद। नमस्कार जी, दयालु राम जी हैं आप और ये आपकी धर्म पत्नी जी, तो आप दोनों साथ में ही गाते हैं। भाई साहब जरा सा इनको, तो आप ये मुसादा गा रहे थे और इसका महत्व क्या है? ये मतलब जनजातीय संस्कृति में मुसादा का क्या महत्व है, इसका अर्थ क्या है, इसमें किस पर केंद्रित रहता है? पांचवा वेद है जी, ब्रह्मा का पांचवा वेद है ये। अच्छा, मुसादा ब्रह्मा का पांचवा वेद है। तो चार वेद है, चार वेद से पांचवा वेद है। अच्छा, इसे कहते हैं मुसादा गायन है। एक है माता सरस्वती का साज है, सरस्वती माता का। अच्छा, माँ सरस्वती का साज है, फिर ब्रह्मा जी ने बजाया है। अच्छा, देव ऋषि नारद ने। ये जो आपने हाथ में रखा हुआ है, इस वाद्य को क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं रुबाना। रुबाना, रुबाना। अच्छा जी, इसे बोलते हैं खंजरी। खंजरी। इसे बोलते हैं ताल। ताल। तो आप बता रहे थे ये पांचवा वेद है। पांचवा वेद है, इसमें सिर्फ धर्म ज्ञान गाया जाता है। ये पहाड़ी पूरी पाठेड़ू ऐसे गाने जो है इसमें शोभा नहीं देते, गाते तो है ना, मगर इसमें जो गाया जाएगा तो चार युग के चारों प्रचार गाए जाएंगे, ज्ञान गाया जाएगा। तो ये मतलब किसी विशेष देवी पर केंद्रित रहता है, देवता पर या सभी देवी देवताओं पर? सभी देवी देवताओं पर, एक ही देवा देवता है इसका। जितने देव इसके मंडप पर आते हैं इसका मंडप सजता है। अच्छा, तो ये आपके ही परिवार के लोग विशेष रूप से इसको गाते आ रहे हैं या कोई भी गा सकता है सीख कर? विद्या है मैदान में पड़ी है, जो जिसने उठाई उसकी है। अच्छा अच्छा, तो ये भरमौर क्षेत्र में विशेष रूप से है या पूरे हिमाचल में मुसादा गाया जाता है? पूरे हिमाचल में मुसादा गाया जाता है सर। अच्छा, पूरे हिमाचल में गाया जाता है। जो जानते हैं जी, जो बूझते हैं। और आपने सीखा किससे ये? हमारे गुरु थे। अच्छा अच्छा, आप गुरु धारणा करना पड़ती है जी, गुरु पाना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है, वो सिखाते हैं आपको। और इसमें कितने गीत हैं? इसमें कितने प्रकार के गीत हैं? एक मिनट, तो इसमें कितने प्रकार के, मतलब असंख्य गीत हैं क्या? तो आपको मुंह जबानी याद है या आपने लिख रखे हैं? नहीं यार, मैं पढ़ा हूँ जी, ना मैं लिखा हूँ। अच्छा, मैं ऐसे ही अपने आत्मा ज्ञान से गाता हूँ। तो ये पूरे आपको याद है जो भी मुसादा गाते हैं? पडमान है, महाभारत है, प्रेम सागर है, सुख सागर है, ये सब गाता हूँ। अच्छा, ये सब मुसादा में आते हैं और आप अपने से भी बना सकते हैं? अच्छा, अपने से तो नहीं बनेगा, किताब के हो गया, मतलब है कि मैं अनपढ़ भी गा सकता हूँ। तो आपके पिताजी भी गाते थे मुसादा? नहीं गाते, आपने सीखा? मैंने सीखा। अच्छा अच्छा, तो आप इनके साथ ही गाती हैं। आपका शुभ नाम? दया देवी। जया देवी। और आप दयालु राम जी। तो आपका गांव कौन सा है? उरई। ये कहां पर पड़ता है? जगत पंचायत। जगत पंचायत लूना। अच्छा, लूना से आप आए हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आपका बड़ा कार्यक्रम होगा तो हम सुनने आएंगे, अभी तो और भी कार्यक्रम चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयालु राम जी, और ऐसे ही आप गाते रहें और लोक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।